पड़ी है और ये चेक करें क्यों डांट पड़ी है। तो मामा उसको बहुत खांसी है, बुखार है और ये ना आइसक्रीम खा रही है। अब मुझे वन कप और वन मोर कप और मांग। हीरो देखे खड़े हुए हैं कितने खूबसूरत। तुम हटो ना, हीरो को दिखाओ ये आ गई सामने। तो लल्ली बिरयानी मिल गई, आ जाओ। चलो डिक्लेयर की गई हूँ, तो आयरन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से ब्लड रेंज भी डाउन हो गई है। और यही रीज़न हो सकता है कि मुझे जो है फीवर जो है वो 99 और 100 के बीच में रह रहा है। अब ये कि आयरन की टैबलेट्स शुरू होंगी, आयरन की जो भी ट्रीटमेंट है वो शुरू होगा, तो उससे जो है फीवर फिर ख़त्म होगा। तो इस प्रोसेस में 1 से 1.5 महीने जो है वो लगता है। जब मतलब होता है कि मेरी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो लास्ट टाइम भी ये चीज़ जो है ये चीज़ मुझे हो गई थी। अब आप सोच भी नहीं सकते कि लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन और ये सब वजह से जो है आयरन हमें हो सकता है। तो देखिए सब कुछ लाइफ में हो सकता है। अभी भी ये है कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ गई थी और बहुत ज़्यादा प्रेशर में मैं थी, सब कुछ अकेले मेरे से करना पड़ रहा था और मैंने अपना बिल्कुल ख्याल नहीं किया और बस जी मैं कॉलैप कर गई। तो बस ये सब चीज़ें, ये मैंने कहा था मैं आपको अपडेट कर दूँगा, अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आपको हो तो फ़ौरन मेरी तरह जैसे मैंने फ़ौरन जो है टेस्ट वगैरह करवा लिया कि बात सामने आ गई कि बात क्या है, तो आप लोग भी मतलब अब इग्नोर नहीं किया कीजिए और करवा लिया कीजिए। चलिए मैं तैयार वगैरह होते हैं और फिर चलते हैं। जो है तैयार हो चुके हैं, अबाया वगैरह हमने जो है पहन लिया है और सभी का जो अभी आती है मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं लंच पे, नहीं लंच पे और हमें कुछ सामान वगैरह भी लेना था, तो हमने सोचा कि वो भी करने के लिए सरदार जा रही थी, तो हमने कहा चलो भाई सरदार पे जो है सारे के सारे सवार हो जाओ और सब जो है अपने काम निपटाओ। आ रही हो तुम अभी? अभी वो तैयार हो रही है, वो काम कर रही है, तो तैयार होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें फिर चलते हैं, आ जाओ। ये देखें सभी का भी जो है तैयार हो चुका है। अच्छा पीछे की आवाज़ को इग्नोर कीजिए, जनरेटर चल रहा है, लाइट नहीं है। तो सभी का भी तैयार हो चुकी है, अपनी आँखों का काजल दिखा रहा हो चिंग पांग। अभी जो है हम लोग बाहर आ गए हैं, सरदार का वेट कर रहे हैं। मौसम जो है बड़ा ही प्यारा, खूबसूरत, अच्छा सा शानदार सा बना हुआ है। और मैं सभी का मम्मा और भाई जो है जा रहे हैं, पापा जो है घर पे, आज सैटरडे उनका ऑफ है, तो देखते हैं सरदार कहाँ पर है, ढूंढते हैं उनको। सरदार जो है हमारी आ गई है, सभी का जो है इसमें तशरीफ जो है रख रही है। और चले अब मेरी बारी, अब मैं बैठती हूँ। बड़ा होशियार, पता नहीं क्या होता है, होटल का खबरदार हाजिरी हाजिर हो गई है हमारी। अजी चेहरा तो दिखाइए, रटे तो हटाइए। बैठ गए सरदार पे और कसम से इसमें बैठने के बाद ऐसा लगता है हम लोग किसी लॉ में पकड़े रेत की ज़मीन पे बैठ जाते हैं, कि हमारे काले काले बुरके बिल्कुल सफ़ेद मिट्टी में भर जाते हैं। अभी बैठते हैं और चलो भाई चलो। अरे हमारी मारे गई, नीचे देखो नीचे पड़ा होगा। जब ये कार मेरे और सबिका के अंडर थी ना, हम इसे ड्राइव करते थे, तो ये इतनी खूबसूरत होती थी, बिल्कुल मेंटेन होती थी, जिस तरीके से लड़कियों की कार होती है ना, खूबसूरत सी, बिल्कुल साफ़ सुथरी सी, बिल्कुल ये वैसी होती थी। और अब जब से इस पे भाई ने कब्ज़ा कर लिया ना, इस पे बैठो तो ऐसा लगता है मतलब दिल ना रो देता है इंसान का, आंसू आ जाते हैं, क्या हालत इसकी बना दी है, जैसे लगता है कचरा कुंडिया में बैठ के सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है हमने सोचा कि चलें जी आज आपको अंडर बाईपास दिखाते हैं, क्योंकि अंडर बाईपास जब से बना है ना ये गुली है जौहर चौरंगी वाले से, खुद जो है हम फर्स्ट टाइम जो है यहाँ से गुजर रहे थे, तो बड़ा इस वक्त तो बड़ा नया नया बना है, तो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था, बड़ा प्यारा सा लग रहा था। और छोटे अंडर बाईपास तो काफ़ी छोटे से एरिया में इन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ से जो है फ्लोर भी बड़ा अच्छा सा इन्होंने बनाया हुआ था। खैर हम भी फर्स्ट टाइम देख के, बड़ा जब कोई चीज़ नई नई बनती है उसको देख के खुशी तो होती है, तो हमें भी जो है बड़ी यहाँ पे खुशी हो रही थी। ब्लॉग में आपको ये बाईपास भी जो है दिखा दिया, और इससे जो है हम लोग एयरपोर्ट के रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं, तो सारे दुपट्टे खुल गए हवा से, सभी आगे सारे दुपट्टे हवा से खुल गए हैं। तुम
ना मुझसे सेट करवाना, देखिए मैं कितनी अच्छी से पिन विन लगा के सेट करती हूँ ना। चलें फिर चलते हैं। रोड के रास्ते से एंट्री ले रहे हैं और इनका ये चेक पोस्ट बना हुआ है। हीरो देखें खड़े हुए हैं कितने खूबसूरत। तुम हटो ना, हीरो को दिखाओ, ये आ गई सामने। बना रही हूं वीडियो, ये आ गई सामने। सारा हीरो गाड़ी रोक देता। हीरो मारिए, यहां पर मत बनाना। बंद कर रही हूँ वीडियो। पूरे एयरपोर्ट के रास्ते भाई अंदर मैंने तो कैमरा नहीं निकाला क्योंकि मुझे ऑर्डर पास हो गया था कि वीडियो नहीं बनानी है, तो मैं तो चुप से बैठी रही। अभी जो है हम लोग शाह फैसल पे आ चुके थे क्योंकि हम लोग जो है शाह फैसल कॉलोनी जा रहे थे। रीज़न कुछ नहीं था, रीज़न बस यही था कि हमें लॉन्ग ड्राइव पर जाना था। बहुत दिन हो गए थे बस ये घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। आप तो मेरी मसूफियात देखते हैं कि बस छत्री प्रसाद पर बैठी लेबॉर्टरी चली गई, छत्री प्रसाद पर बैठी हॉस्पिटल चली गई, या फिर बहुत हुआ तो इरम चली गई। इस तरीके से लाइफ एकदम पता नहीं क्या हो चुकी थी। तो आज जो है हमने कहा चलो जी जा रही है गाड़ी तो हम भी इस पर बैठ जाते। तो हम यहाँ यया बिरयानी सबसे पहले आए थे, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 पे ये होती है। तो इनकी बिरयानी जो है हमें बड़ी पसंद है, बीफ बिरयानी ये हम लोग खाते हैं इनकी, तो बहुत लजीज किस्म की, टेस्टी किस्म की होती है। तो यहाँ से जो है हमने इनकी बिरयानी जो है वो ले, और ये एक पाव बिरयानी जो है 230 रुपए की बीफ बिरयानी दे रहे थे जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, मसालेदार होती है। अगर आपने नहीं ट्राई किया और आपको शाह फैसल जाना हुआ या आप वहीं रहते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यह की बिरयानी। खैर शाह फैसल वालों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तारीफ़ के मोहताज नहीं है, इनकी बिरयानी बहुत मज़ेदार होती है। और ये जो है 3 नंबर चौरंगी का हिस्सा, इस वक्त जो है दोपहर के जो है कोई 1 बज रहे होंगे और बिल्कुल जो है इस वक्त वीरानियत हो रही थी। हम लोग जो है 3 नंबर मार्केट की तरफ आ रहे थे क्योंकि कुछ सामान जो है हमने सोचा कि मार्केट से ले लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत सन्नाटा हो रहा था, बहुत वीरानियत हो रही थी और गर्मी भी जो है थोड़ी थोड़ी गर्मी भी हो रही थी। जैसे कि हम लोग अपने अपार्टमेंट से निकले थे, वेदर हमें अच्छा लगा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वेदर जो है गर्म होना स्टार्ट हो चुका था। और अभी जो है हम लोग सब्ज़ी गली आ रहे थे, यहाँ पर जो है ना गोश्त सब्ज़ी हर चीज़ मिलती है। कुछ सामान सबिका को अपना लेना था, कुछ जो है मुझे मिठाइयाँ वगैरह लेनी थी। आपको पता है कि मुझे शाह फैसल कॉलोनी में जब भी जाती हूँ ना मैं वहाँ से मिठाई जो है ज़रूर लेती हूँ, और ये केमिकल की शॉप है तो यहाँ से पोछा वगैरह लगाने के लिए सबिका को जो है कुछ केमिकल वगैरह ख़रीदना था जो वो ख़रीद रही थी। और यहाँ पे वो झाड़ू भी चेक कर रही थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ना हमारे पुराना वाला झाड़ू चल रहा था, तो अब हमने सोचा कि इसको नया चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हलवा पूरियाँ बन रही थी और पूरियाँ देखें कितनी मज़ेदार, कितनी नरम नरम सी पूरियाँ बन रही, बड़ी टेस्टी लग रही थी। लेकिन हमें जो है हलवा पूरी नहीं लेनी थी, हमने तो बिरयानी ले ली थी खाने के लिए। हम यहाँ पे आ गए थे मिठाई लेने क्योंकि मुझे जो है बालूशाही की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और मेरे एरिया में बालूशाही ना फ्रेश बिल्कुल भी नहीं मिलती है, वो कितने कितने दिन पुरानी होती है। लेकिन शाह फैसल कॉलोनी में एक क्वालिटी है कि यहाँ पे जलेबी, बालूशाही ये सब फ्रेश मिलती है। और इसके साथ ही जो हमारी फेवरेट एक मिठाई है जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो करा दूँगी, वो ख़ास मिठाई जो है वो शाह फैसल कॉलोनी में बड़े मज़ेदार मिलती है। और ये कि गुलाब जामुन में जो हाफ खोया और कोकोनट लगा हुआ रहता है ना, बहुत मज़ेदार ये लगती है। अगर आपने ये भी ट्राई नहीं किया आपके एरिया में मिलती है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये गुलाब जामुन होते हैं। तो हम लोगों ने जो है ये ले लिया, ये मिठाई बहुत मज़ेदार होती है। जब हमारे यहाँ राहिल की बर्थ हुई थी ना तो मिठाई बांटते हैं ना बच्चे के होने पे, तो हमने जो है ये वाली मिठाई बांटी थी, उसके साथ पान वाली मिठाई, ये दो मिठाई करके हमने जो है अपने सारे रिलेटिव्स और सारे नेबर्स पूरी सोसाइटी में हमने जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। और इसके साथ ही यहाँ पर मेरी नज़र पड़ गई कलेजी पर क्योंकि यहाँ पर जो है पूरी पूरी मतलब बड़ा बड़ा जानवर पूरा होता है। हमारे एरिया में ना थोड़ा सा बस गोश्त लाते हैं और बस वही बांट देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कल्ला, जबान, बर्ड, कलेजी हर चीज़ यहाँ पर मिलती है। तो कलेजी मिल गई थी तो मैंने मामा से कहा कि आप कलेजी ले लें, मेरा बहुत दिल कर रहा है कलेजी खाने का। उसके बाद कलेजी लेने के बाद हम लोग जो है रोड की तरफ जो है आ रहे थे, तो मैंने सोचा पूरी क्लिप जो है आपको आज शाह फैसल कॉलोनी की दोपहर की दिखाती हुई, दोपहर में यहाँ एनवायरनमेंट कैसा होता है। यहाँ भी बस वही कहानी है, खाने बड़े मज़े मज़े के मिलते हैं। और बारबेक्यू के तो सारे होटल इस वक्त बंद थे, वो तो रात की वीडियो जो मैंने शाह फैसल की बनाई हुई है उसमें आपको सब चीज़ें बताई हुई हैं। और यहाँ पर राहिल को जो है एक नल्ली बिरयानी के नाम से, नल्ली पुलाव के नाम से उनको मिल गई थी, तो वो यहाँ पर देख रहे थे और वो देखची में ढूंढने में हम लोग लगे हुए थे कि नल्ली कहाँ है, नल्ली कहाँ है। लेकिन काफ़ी देर के बाद हमें पता चला कि जो नल्ली पुलाव है उसकी रियलिटी ये है कि नल्ली का सिर्फ पुलाव बचा है, नल्ली ख़त्म हो चुकी है। अब जब नई देख आएगी आधा एक घंटे बाद या शायद रात में आएगी तो उसमें जो है नल्ली मिलेगी, तो हम लोग उदास हो गए। हमने कहा नहीं भाई हमें तो भाई नल्ली वाला चाहिए था। यहाँ पर दाल चावल कढ़ी का भी ठेला लगा हुआ था क्योंकि इस एरिया में जो है ना ज़्यादातर लेबर्स होते हैं, जी हाँ यहाँ मज़दूर वगैरह जो है ना वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो बस यही है कि उनके खाने की आसानी है कि यहाँ पे कढ़ी चावल कबाब जो है इसका स्टॉल भी लगा हुआ था। और जो है ये भी खाने बहुत बड़ी बात है, इतने रुपए में ये इतना अच्छा खाना दे रहे हैं यहाँ पे। और हमारी गाड़ी जो है हमारे खाने पीने के सामान से भर चुकी थी। यहाँ पे जो है एक चोर इस वक्त पकड़ा गया था और सारे जो है उस चोर को घेर के खड़े हुए थे, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ जाके देखूँ क्या बात है। और अब जो है हम लोग गाड़ी में सवार हो चुके थे और अब हम लोग शाह फैसल कॉलोनी को जो है टाटा बाय बाय कहने लगे थे। और हमें बहुत खुशी हो रही थी, सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें यही है कि बिरयानी खाने की हो रही थी, दूसरे नंबर पर खुशी हमें हो रही थी मिठाई और बालूशाही खाने की। साथ ही जो है
हमारे मम्मा ने हमारी फेवरेट बेकरी से जो है वो ले लिए थे, रस्क भी ले लिए थे, वो घर जाके दिखाती हूँ आपको। सबीका को खुशी हो रही थी अपना पोछा लगाने के केमिकल की। फैजान खान थैंक यू सो मच, अरमान हसन थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। अच्छा जी आपको कमज़ोर लगी, मैं सबको कमज़ोर लग रही हूँ सिवाय सबीका के, सबीका को मैं बड़ी एकदम तंदुरुस्त तवाना ताज़ा लग रही हूँ, उसको मैं कमज़ोर कहीं से नहीं लग रही हूँ। बाकी ये कि सब जो देख रहा है वही मुझे टोक रहा है, इनफैक्ट मैं खुद अपनी पिक्चर देख के डर गई थी। थैंक यू सो मच फॉर कमेंट सालन रोटी ऑफिशियल। हाँ ये बात तुमने सही कही कि घर के खवातीन बीमार हो जाए, खास करके जो खवातीन काम करती हैं, जो किचन संभालती है, तो फिर तो घर का आवा का आवाई बिगड़ जाता है। तो हमारे यहाँ भी यही हुआ है। और रुसाना तरत बस जी दुआ में याद रखिए, क्योंकि अब जो है ट्रीटमेंट शुरू होगा आयरन डिफिशेंसी का, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें बुखार उतरने में तो थोड़ा टाइम लगेगा लगेगा। अभी जो है हम लोग रास्ते में यहाँ पे आ गए थे गुलिस्तान जौहर मोड़ पे, जो आगा जूस है वहाँ पे आ गए थे, क्योंकि भाई ने कहा चलो तुम लोग इतने दिनों के बाद बाहर निकले आइसक्रीम खिलाता हूँ तुम लोगों को। तो रास्ते में जो है हमारा नसीब अच्छा था कि आगा जूस जो है वो खुले भी मिल गया था, तो यहाँ पे बैठ के जो है हमने आइसक्रीम ऑर्डर की। मैंने अपनी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम मंगवाई, सबीका ने जो है वो पिस्ता आइसक्रीम मंगवाई, और भाई ने जो है अपना फेवरेट फालूदा मंगवाया। जी हाँ वो फालूदा खाता, और मामा ने आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं खाई क्योंकि वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको जो है वो खांसी वगैरह लगी हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा खांसी को लेकर डरी हुई है। मैंने तो खैर कहा कि भैया बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, गर्मी भी इस वक्त में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो हम दोनों बहनों ने यहाँ पर आइसक्रीम खाया, यकीन जानिए ये आगा जो उसकी आइसक्रीम बहुत दिनों के बाद मैं टेस्ट कर रही थी, क्योंकि बीच में तो मैं कराची आइसक्रीम जाने लग गई थी, वहाँ मैं टेस्ट करने लगी थी, और ये आइसक्रीम जो है बहुत मज़ेदार थी। सारी आइसक्रीम हमने यहाँ पे जो है वो ख़त्म कर दी थी, और अब हम लोग मम्मा से जिद कर रहे थे हमें एक कप आइसक्रीम और दिला दीजिए, एक कप आइसक्रीम दिला दीजिए, एक स्कूप और दिला दीजिए, लेकिन मम्मा जो है वो कह रही थी कि नहीं नहीं नहीं। आज हमारा शेर सुस पड़ा है, इसको डांट पड़ी है, और ये चेक करें क्यों डांट पड़ी है मम्मा, उसको बहुत खांसी है, बुखार है, ये ना आइसक्रीम खा रही है। अब मुझे वन कप और वन मोर कप और मांग रही है। कोई बंद कब नहीं, भाई निकल गया गाड़ी देखना, मतलब हमारी गाड़ी निकलने निकल गई है, तो बस हम निकल गए। तो मेरा गेटअप चेक करो, मेरा असल रूप हम लोगों ने चले जी, हम लोगों ने जो आइसक्रीम वगैरह खा ली है, और अब जो है हम लोग घर जा रहे हैं, और मुझे जो है एक्स्ट्रा कप आइसक्रीम का नहीं मिला है, नहीं तो कहा गया है कि अगर आइसक्रीम अगर तुम्हें खिला दी तो फिर तुम्हें आज इसको कम्फर्टर नहीं मिलेगा, इसको बुखार चढ़ा तो इसीलिए मेरा है मेरा वो क्या देखेंगे। घर जो है हम लोग आ चुके थे, और इस वक्त जो है हमारी लाइट नहीं थी, बस ये 5 मिनट रहता था लाइट आने में, तो इस वक्त जो है हम लोग ने सोचा कि इंतज़ार करते हैं, लाइट खैर आ चुकी थी, ऊपर हम लोग आ गए। ये हमारा सामान, और इसमें जो है बालूशाही है और मिठाई है जो कि हमने गुलाब जामुन लिया। अच्छा जी गुलाब जामुन की मिठाई जो है 900 रुपये किलो है वहाँ पर शाह फैसल कॉलोनी में, और यहाँ तो 1400 रुपये किलो है ना मिठाई, तो वहाँ पे 900 रुपये किलो है शाह फैसल कॉलोनी में मिठाई। और यहाँ पे जो है ये रस्क मामा ने ले लिए थे जो कि 120 रुपये पाव थे, और इसके साथ ही जो है सारा सामान जो है हमने लाते साइड टेबल में। ये देखें बालूशाही की थोड़ी सी झलक आपको दिखा दूँ, क्योंकि झलक तो वहाँ पर मैंने भी थोड़ी नहीं देखी थी, बड़े मज़े की होती है। चले जी हम लोग जो है घर आ चुके हैं, फिर आज के ब्लॉग को जो है यहीं पे करते हैं एंड। और अगर आपने अब तक नहीं किया हमारे चैनल को लाइक, तो जल्दी से वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, टिकटॉक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कर लीजिए हमें फॉलो, इजाजत दीजिए, तो हमें याद रखें अल्लाह हाफिज़।